एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5. यू नो दैट होल नंबर्स आइदर इवन और ऑड, कोई भी अगर हम नंबर्स की बात करें या तो वो इवन होगा या फिर ऑड होगा. यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि जो ऑड जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो या फिर 6q+1 के फॉर्म में होंगे, या 6q+6 के फॉर्म 3 के फॉर्म में होंगे, या फिर 6q+5 के फॉर्म में होंगे. तो हम यहाँ पे यूक्लिड्स थ्योरम का यूज करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं कि ये किस तरह से इस फॉर्म में आएगा. सो प्रूफ, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. एंड b = 6 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें जो डिवाइजर दिया गया वो 6 दिया गया है, इसलिए हमने b = 6 लिया है. अब अगर हम यूक्लिड्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हमें फाइंड होगा a = 6q+r एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6. अगर हम ये स्टेटमेंट का यूज करें तो यहाँ से हमें r की 6 वैल्यू फाइंड होंगे, जैसे r = 0, r = 1, r = 2, r = 3, 4 एंड 5, राइट. अब हम r की वैल्यू 1 by 1 इस इक्वेशन में रख देते हैं. सो a = 6q + 1 + 6q + 2, 6q+3, 6q+4, 6q+5. तो इस टाइप से हमें नंबर्स फाइंड होंगे. वी नो दैट इफ एनी इवन नंबर सो मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2. अगर कोई भी इवन नंबर होगा तो कंपल्सरी 2 का मल्टीपल ही होगा. तो इसमें जो भी 2 के मल्टीपल्स वाले नंबर्स है उनको हम रिमूव कर देते हैं, राइट. अब कौन से है पहले हम चेक कर लेते कौन कौन सा है. जैसे हम यहाँ पे 6q की बात करें तो 6 2 के टेबल में आता है, राइट. दैट मींस ये हमारा हो गया इवन नंबर, राइट. अब हम थर्ड लेते हैं यहाँ पे 6q+2, 2 इसमें से कॉमन आएगा तो हमें फाइंड हो जाएगा 2 × 3q+1, राइट. तो ये भी इवन नंबर हो गया. 6q+4, इसमें भी हम 2 कॉमन लेते तो 3q+2 आ जाएगा. यहाँ पे हमें सिर्फ प्रूफ क्या करना है ऑड इंटीजर का, तो हम यहाँ पे इवन इंटीजर को रिमूव कर देते हैं. तो कौन कौन सा यहाँ पे इवन इंटीजर है, 6q + 2 एंड 6q+4 आर इवन इंटीजर. तो इसे तो हमें कुछ प्रूफ नहीं करना है कि हाँ ये किस फॉर्म में है किस फॉर्म में नहीं है. हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ऑड इंटीजर है उसे हमें 6q+1, 6q+3 और 6q+5 में प्रूव करना है. तो अगर हम यहाँ पे रिमेनिंग नंबर्स की बात करें तो इस फॉर्म में आ ही गया है. सो और इसके पहले भी हमने डिस्कशन किया, या तो कोई भी नंबर अगर हम किसी भी नंबर्स की बात करें या तो वो इवन होगा या फिर ऑड होगा. अगर ये सभी नंबर्स इवन नहीं है दैट मींस क्या होगा, ये ऑड नंबर होगा. सो हेंस 6q+1 ऐसा अगर हम लिखे एनी ऑड इंटीजर आर इन द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, राइट.